तो दोस्तों ये ब्लूटूथ म्यूज़िक बल्ब है, इसको जो है हम दोस्तों 18650 लिथियम आयन बैटरी पर इसको चलाने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों एसी सप्लाई पर ये जो है इस प्रकार से चलता है, तो सिंपल हम इसको जो है बैटरी से कनेक्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें, मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको देता रहूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं ऐसी टेक्निकल वीडियोज़ आपके लिए लाते रहता हूँ। तो आइए दोस्तों हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो है हम इसका जो ऊपर वाला ये जो डिफ्यूज़र है, इसको हम इस तरीके से ऊपर के साइड पर स्लाइड करेंगे। ये स्लाइड लॉक होता है, तो इससे लॉक निकल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पे स्पीकर लगा हुआ है और अंदर जो है इस प्रकार से यहाँ पे MCPCB यानी कि पूरा बोर्ड लगा हुआ है। तो यहाँ पे स्पीकर और बैटरी कनेक्ट है। देखिए दोस्तों बैक साइड से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये पावर सप्लाई ड्राइवर है, इसका कनेक्शन जो है यहाँ पर दिया हुआ है। तो सिंपल हम इसको पहले निकाल कर अलग कर लेंगे इस तरीके से, और इसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको इसका जो कनेक्शन दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो स्पीकर कनेक्ट है और यहाँ पे बैटरी कनेक्ट है। तो बैटरी कनेक्ट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे सिंपल मैं इस तरीके से यहाँ पे कनेक्टर लिया हूँ। तो यहाँ पे हम इसको कनेक्शन यहाँ पे लगा लेने वाले हैं। तो कनेक्शन करते वक्त दोस्तों याद रखिए पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पे लगाना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो पॉजिटिव साइड है वहाँ पे ब्लैक वायर लगा हुआ है। तो दोस्तों कलर कोड के चक्कर में आप ना जाए, यहाँ पे जो है बैटरी कनेक्ट करते वक्त सेम पोलैरिटी देखकर यहाँ पे लगाए। कनेक्शन उल्टा लगाने पर जो है हमारा ये जो बोर्ड है ये ख़राब हो सकता है, इसलिए इसका ध्यान रखिए दोस्तों। इस तरीके से हमें वायर यहाँ पर सॉल्डर कर लेना है। तो इसके बाद देखिए दोस्तों हम इसको कनेक्टर में लगा लेंगे, और देखिए दोस्तों जैसे हम इसको कनेक्टर में लगाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा इस प्रकार से। ये देखिए दोस्तों ये स्टार्ट में जो है वाइट LED यहाँ पे ग्लो हो जाती है। रिमोट से हम इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों अच्छी तरीके से प्रॉपर वर्क कर रहा है इस तरीके से। तो अभी हम इसको जो है मोबाइल से ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे और इसको जो है कोई सॉन्ग प्ले करके इसका टेस्टिंग लेंगे। तो देखिए दोस्तों इसका जो बैटरी है वो चार्जिंग ख़त्म हो गया था, मैं फिर से दूसरी बैटरी यहाँ पे लिया हूँ। तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पे लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों ये ऑन हो चुका है। तो अभी हम इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे और जो है कोई सॉन्ग प्ले करेंगे और इसका टेस्टिंग लेंगे। तो इस तरीके से जो है हम इसको बैटरी से चला सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।